दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही तेजी से भयानक रूप ले रहा है। रशिया की इस युद्ध में एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इस युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई और देश कूदता है तो बाकी के देश भी यूक्रेन की मदद करने के लिए आ जाएंगे और फिर इस युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। नंबर वन, इसराइल। इसराइल के विदेश मंत्री लपिद ने रूस की निंदा की है और कहा है कि इसराइल के रूस और यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है और डायरेक्ट संकेत दिया है कि इसराइल रूस के खिलाफ है। नंबर टू, अमेरिका। अमेरिका तो शुरू से ही रशिया के खिलाफ है और शायद अमेरिका की वजह से ये युद्ध इतना भयानक हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका और उसके साथी देश एक साथ संगठित होकर रूस को इसका जवाब देंगे। नंबर थ्री, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जोरिस जॉनसन ने कहा कि रशिया ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर जबरदस्ती हमला कर खून खराबे और बर्बादी को बढ़ावा दिया है। इस युद्ध में होने वाली जनहानि का जवाब ब्रिटेन और हमारे सहयोगी साथी रूस को जरूर देंगे। नंबर फोर, जर्मनी। जर्मनी ने कहा है कि हम रूस की इस हरकत के बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाएंगे ताकि रूस समझ सके कि उसे इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंबर फाइव, चीन। पिछले कुछ सालों से रशिया और चीन में अच्छे संबंध रहे हैं और इसी वजह से चीन रशिया का साथ दे रहा है। उसने यूक्रेन पर किए गए हमले को आक्रमण कहे जाने का विरोध किया है। नंबर सिक्स, फ्रांस। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और हर तरीके से यूक्रेन की मदद करेगा। नंबर सेवन, भारत। भारत ने अभी भी किसी भी पक्ष को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। वो अभी भी चाहता है कि ये युद्ध यहीं थम जाए और इस मामले को शांति से हल किया जाए। इसके अलावा तुर्की, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया, ग्रीस और हंगरी ने भी रूस के इस कदम की कड़ी निंदा की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि निंदा करने से क्या होता है? यूक्रेन की मदद करने के लिए तो कोई नहीं जा रहा है। आखिर कब तक अकेला यूक्रेन रशिया के सामने टिक पाएगा?